साहिबान मेहरबान कदरदान, कब्रिस्तान के सभी हैं परमानेंट मेहमान। इसलिए तो कहता हूँ मेरी जान कि कब्रिस्तान में एक प्लॉट बुक करा के करो अपने सुकून का पक्का इंतजाम। ये कब्रिस्तान आराम दे, सुकून और खामोशी से भरपूर है। आज का काम कल पर मत छोड़िए, एक प्लॉट बुक कराकर आराम से मुस्कुराइए। खज्जू, अरे क्या हो गया साहब, तबीयत तो ठीक से है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे तो फिर उठते के साथ चिल्लाने क्यों लाग रहे हो? चाय लाओ। चाय तो कद की पड़ी है, ठंडी हो गई सुसरी। तो उठाया क्यों नहीं बेवकूफ? अरे एक घंटे से वही तो करण लाग रहा हूँ, पर आप तो पता नहीं क्या चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान कब्रिस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान। तो मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा, ब्लैक एंड व्हाइट में। बाप रे, तुम्हारे ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं कलर में? पर तो वो के काम है, वो जीस्टमैन कलर है ना, उसमें आवे ख्वाब। खास तौर से शरबती मेरे सपने में आवे तो सातों के सातों रंग एक साथ दिख जावे, लाल काले हरे पीले सबके सब। अमेरिका ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। घड़ी ठीक है? ठीक से? बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक से। वाकई वाकई घड़ी ठीक है? तो फिर बूझ लो इसने। मैं मर गया मर गया मैं। आज फिर ऑफिस की देर हो गई। तो फिर कौन सी नई बात हो गई? अरे पप्पू, यो स्टार्ट नहीं होने का। ऐसा करो, इसने बेच के कुछ पैसे और मिला के साइकिल खरीद लो सेकंड हैंड, फिर ऑफिस जाया करो। चुप कर। पिछले 6 महीनों से हम लोग इस साबुन की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। किसी भी चीज की बिक्री उसकी अच्छाई या बुराई से नहीं बल्कि पब्लिसिटी से होती है। अब कितने शर्म की बात है कि पिछले 6 महीनों से हम लोग इतना भी नहीं कर पाए कि लोग अपना पहले वाला साबुन भूलकर शानदार साबुन का इस्तेमाल करने लगे। ये साबुन की नहीं हमारी नाकामयाबी है, ऐसी और भी कई शिकायतें आ रही हैं। गुड मॉर्निंग, आइए आइए। शुरू हो गई? वो सर हुआ ये कि सुबह ही सुबह स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। हाँ सर, वो और उसके बाद में सड़क पर मारा मारा फिरता रहा वो स्कूटर रिक्शा। रुकी नहीं? हाँ, आपको कैसे मालूम? कैसे मालूम, रोज तो सुनते हैं। I'm sorry, sir. नहीं नहीं नहीं, सॉरी तो हमें कहना चाहिए क्यों? खैर, तो जैसा कि मैं शानदार साबुन के बारे में कह रहा था कि बावजूद हमारी सारी कोशिशों के ये मार्केट में चला नहीं, तो इसके लिए रमेश ने एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है कि शानदार साबुन को अदरक युक्त बना दिया जाए। अदरक? हाँ, मार्केट रिसर्च के हिसाब से ये नतीजा निकला है कि आज का कंज्यूमर शुद्ध देसी और प्राकृतिक चीजों की तरफ ज्यादा भागता है। वो जरूर होगा सर, लेकिन अदरक? अदरक सदियों से आजमाया हुआ शुद्ध भारतीय नुस्खा, अपने रंग रूप में बच्चों जैसी ताजगी लाने के लिए शानदार अदरक युक्त साबुन से नहाइए, सूरजमुखी से खिल जाइए। रमेश, अदरक का साबुन से क्या लेना देना है? लेना देना बनाना तो हमारा काम है। सर, अदरक नहाने धोने में कैसे आएगा? आएगा नहीं, हम डालेंगे पब्लिसिटी से। तुम्हें 1 महीना हो गया इस एजेंसी में काम करते हुए, कब समझोगे तुम? कंज्यूमर चाहता है कोई खास नई अनोखी चीज खरीदना, और जो वो खरीदता है उसमें असल में क्या है और क्या नहीं है उस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, हमें सिर्फ उसके दिमाग में ये बात बैठानी है कि शानदार अदरक युक्त साबुन से ही उसकी त्वचा साफ और मुलायम रह सकती है बच्चों जैसी। लेकिन ये तो एक किस्म की बेईमानी है ना। बेईमानी? ये बेईमानी नहीं, जिस चीज को हमें बेचना है उसकी अच्छाइयां तो बतानी होंगी, और अगर अच्छाइयां ना भी हुई तो पैदा करनी होगी झूठ बोलकर। जिंदगी का सारा काम ऐसे ही चलता है, अगर किसी को जेब में रखना है तो उसे वही दो जो वो चाहता है। इसे हटाओ, अब इसे हटा। जरूरत के हिसाब से आदमी को फंसाओ यार, यहां तक कि जो चीज उसके लिए जरूरी नहीं है वो भी उसके लिए जरूरत बन जाए, समझे? यहाँ लोगों के पास खाने पीने तक को पैसा नहीं है, और हम उन लोगों को ये गैर जरूरी बेतुकी चीजें खरीदवाएं, ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? तू गधे का गधा ही रहे। हाँ, मैं तो गधा ही हूँ, लेकिन तुम तो हीरो जात हो ना, ऊपर से टपके हो। बिल्कुल, उसमें क्या शक है, सर से पांव तक हीरो, कहीं से भी शुरू हो जाओ। बॉस का मैं फेवरेट, दोस्तों का चहेता, और लड़कियों का तो पूछो ही मत, सब पागल है मेरे प्यार में। एक बार यदि मैं बीमार पड़ जाऊं तो सबकी सब नर्स बन जाए। प्यार में अपने आप को इश्तिहार बनाना पड़ता है,
खुद अपनी तारीफ, वाह वाह, चार्म, ग्लैमर, दैट्स इट। और तुम्हें देखो, शायद देर से उठने की वजह से सुबह आईना भी नहीं देखते। ये बेल बॉटम कब तक पहने रहोगे, ये लेस वाले जूते, और ये तेल या सूरत, मेरे बाप अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। कभी लड़की को छुआ है, हाथ लगाए, पास से भी गुजरे हो कभी? अरे क्यों गुजरो पास से भाई, हैं? क्यों गुजरो, ये क्या जरूरी है? इसके बगैर सुबह नहीं होती, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। आती बेवकूफी की नींद आती है, सोता रहे साले जिंदगी भर। अगर इसे लड़की का फोन नंबर भी पूछना पड़े तो हवा सरक जाए। एक्चुअली विजय, यू डोंट हैव सेल्समैनशिप। अरे क्या 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 सेल्समैनशिप यार, हैं? तुम तो अपने आप को भी बेचो, लड़की को कॉफी पिलाने ले जाओ और उससे कहो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाओ, जवानी की खूबसूरत पैक में आपकी सेहत के लिए मुफीद, सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, जवानी का लुत्फ उठाइए। नॉनसेंस साला चीटिंग। वेरी गुड, कुछ कुछ सही ट्रैक पर हो। लड़की अकेली क्या? विजय एक मिनट, देखो यार हमेशा की तरह तुम फिर उतार खोजू। विजय ठहर, जाना मत। हाँ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वैसे मेरा नाम रमेश है और आपका? खैर जाने दीजिए, नाम वाम में क्या रखा है। आप हैं ही इतनी सुंदर कि कोई भी राह चलता वापस लौट आए, जैसे कि हम। और इतनी खूबसूरती को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। बाय द वे, आपने कभी मॉडलिंग की है? नहीं। या आप इंटरेस्टेड हैं? तो नहीं, पर करना चाहती हूँ। ओह दैट्स वेरी गुड, ग्रेट। मैं त्रिकोण एड एजेंसी में काम करता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारी स्मार्ट एंड लवली लेग क्रीम के लिए लॉटरी निकाल सकती हैं। वैसे परवीन और जीनत को हम ही ने वहाँ पहुँचाया। अरे हाँ, घर नहीं जाना क्या? एक मिनट। ओह ये हमारे दोस्त हैं विजय, आजकल परेशान है बेचारे। एक मिनट, आपको नहीं लगता कि हमने सारी बातें यहीं डिस्कस कर ली, कहीं कुछ बैठ कर कॉफी पीकर बातें करनी चाहिए? नहीं, मुझे घर जाना है। मैं छोड़ दूंगा मोटरसाइकिल पे, आइए ना, थोड़ी सी डिटेल में बातें हो जाएंगी। अरे तो फिर ओके, 85 पकड़कर घर पहुंच जाना, बाय। आपने बिकनी में कोई फोटो निकलवाया? नहीं नहीं, मैंने काल दूंगा आपको। वैसे आप कभी डिस्को गई? अकेला छोड़ के चला गया, लड़की देखी नहीं क्या गए? एक्सक्यूज मी, यस यस प्लीज, यहाँ से गोल्फिंग कौन सी बस जाती है? गोल्फिंग, यहाँ से तो गोल्फिंग कोई बस नहीं जाती। आप एक काम कीजिए, यहाँ से 210 पकड़ के सेक्रेटेरिएट चले जाइए, वहाँ बहुत बसें मिल, या फिर रिक्शा पकड़ के सीधे गोल्फिंग की चले जाइए। यहाँ है कार रिक्शा? हाँ, शाम के वक्त तो ये प्रॉब्लम होता ही है, ऑफिस से लोग जाते हैं ना। पानी, एक मिनट जरा, एक ग्लास पानी दीजिए। 10 का छुट्टा तो नहीं मैम साहब। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं दे देता हूँ पैसे। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई, आप एक मिनट प्लीज। लो भाई लो साहब, अठन्ने का भी नहीं है। अरे तो 10 रुपए का भी छुट्टा नहीं है, 50 पैसे का भी छुट्टा नहीं, फिर काहे का छुट्टा है आपके पास? कमाल है। अच्छा खैर पानी तो पिलाओ, पानी के बगैर कोई कैसे रहेगा, बाकी पैसा आप रख लो। Thank you. मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम विजय है, आपका, खैर आपका नाम पूछने की क्या जरूरत है, करोड़ रुपए की तो आपकी शक्ल ही है। दरअसल त्रिकोण एड एजेंसी में मैं काम करता हूँ, बहुत बड़ी एजेंसी, आपने नाम सुना ही होगा। हमारी स्मार्ट एंड लवली लेग क्रीम के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए बहुत एक बड़ी मॉडल की जरूरत थी। आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी कैंपेन के लिए आप बहुत ही मुफीद साबित होंगे। वैसे आप भी बहुत हिट हो जाएंगी। ये जो जीनत परवीन वगैरह 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 सब है ना, ये इनको हम ही ने लॉन्च किया था। यस प्लीज, टिकट टिकट भाई माफ करो, आई मीन बाद में ये मेरा कॉल में पड़ता था। अच्छा, कंडक्टर वंडक्टर बन गया बेचारा, स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो अगर आप हमारी एड एजेंसी में आ जाएंगे तो आपके बारे में न्यारे हो जाएंगे, जमीन से उठाकर हम आपको आसमान पर रख देंगे। अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आपकी कोई तस्वीर हो। क्या हुआ? तो कुछ जरा चक्कर आ गया था। तो आप मुझे बचपन से ऐसे चक्कर बहुत आते हैं। आपने किसी डॉक्टर को नहीं बताया? हाँ हाँ हाँ, बहुत से डॉक्टरों को बताया था, लेकिन वो कोई फायदा नहीं हुआ। आप ऐसे कीजिए, हमारे घर में आइए, मेरे डैडी को ना होम्योपैथी का बहुत शौक है, वो शायद आपको कोई दवाई दे दे। अच्छा जी,
तो आ जाएंगे किसी दिन आपके घर भी आ जाएंगे। मेरी गाड़ी आ गई। ये कोई आने का वक्त है शेर सिंह? सॉरी मैम साहब, ट्रैफिक बहुत था। ठीक है आइए, मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ। ये गाड़ी आपकी? नहीं मेरी गाड़ी की है। हाँ, मेरा वही मतलब था, लेकिन आप क्यों तकलीफ करिए, मैं चला जाऊंगा चुपचाप। देखिए आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ, आइए ना। अच्छा आप इंसिस्ट करिए तो फिर मैं क्या करूँ। आइए प्लीज। आपका नाम क्या है? विजय। वो आपके दोस्त थे जो लड़की के साथ चले गए आपको छोड़ के? हाँ हाँ वो मेरा दोस्त ही था, लेकिन इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, उनको जरा कहा कि आप बड़ी अच्छी हैं, मेरे पास गाड़ी है मोटरबाइक है, मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा, कॉफी पिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, बस गई उनके साथ। इसमें लड़कियों का क्या है? लड़के भी तो ऐसे हैं, जहाँ लड़की देखी उनकी छोटी तारीफ करना शुरू। वो तो इसलिए कि लड़कियों को पसंद है कि उनकी तारीफ की जाए उनके मुंह पर। जैसे उनसे कोई कहे कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आपका चेहरा कितना प्यारा है, आपकी आंखें देखिए कितनी मत भरी हैं, आपके होंठ कितने अच्छे हैं, आपकी गर्दन कितनी अच्छी है। वाह भाई वाह। नहीं मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा था, नहीं लड़कियों के बारे में। क्या कुछ नहीं, आप रहते कहाँ हैं? मैं पटेल नगर में पेइंग गेस्ट हूँ, लेकिन अच्छा है, फोन वोन है, सब अच्छा है, घर अच्छा है। आपके यहाँ भी फोन तो हो गई? जी तीन है। अच्छा यार, एक बंद हो तो दूसरा बोल पड़े, दूसरा बोलना बंद हो तो तीसरा बोल पड़े। आपके यहाँ तो टेलीफोन का अच्छा खासा कोरस चलता होगा। आप दिखवाने आएंगे ना घर पे? जी क्या क्या दिखवा? वो चक्कर। हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा। आप काम कहाँ करते हैं? वो मैं जी एक त्रिकोण एड एजेंसी है उसमें काम करता हूँ, लेकिन बहुत दुखी हूँ मैं। क्यों क्यों? अरे ये पब्लिसिटी में देखिए ना, कुछ भी बोलते रहते हैं झूठ मूठ का। वो घटिया मामूली चीज को कोई अच्छा सा स्लोगन लगा देंगे और उसको जैसे ये कितना फायदेमंद है, ये कितना टिकाऊ है, ये कितना सस्ता है, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना हसीन और मुलायम है, ये आपके लिए कितना मुफीद है। आप यहीं उतर जाए तो अच्छा है। अरे मुझे तो उस तरफ जाना था। ओके सी यू। फिर मिलेंगे कहाँ? बस स्टॉप पर। नहीं वो घर में आ रहे ना आप, वो हाँ, चक्कर। वो चक्कर हाँ, मैं आ जाऊंगा किसी। आप ऐसे कीजिए मेरा फोन नंबर लिख लीजिए। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यूं ही बोल दीजिए, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। 614843 अच्छा सुनिए, आपने तो मेरा नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है जी? नुपुर। नुपुर अच्छा, नुपुर नुपुर का मतलब क्या होता है? घुंघरू। हाँ अच्छा अच्छा। बड़ी देर लगा दी। तुम मानेगा नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ है। अरे 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 अल्टीमेटली कोई छोकरी फंस गई के? तुझे कैसे पता? अरे तभी तो इतने हिप्पी दिखाई दे रहे हो। हिप्पी मैं? हैप्पी बेवकूफ। अरे वही 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 वही। लेकिन वो लड़की नहीं, वो तो परी है। बाप रे। अरे आसपास की बात करो, ये परियों जिन्नों के चक्कर में मत पड़ो, बहुत बुरी चीज हो गए। हाँ विलायती खटोला, उसने मुझे नंबर भी दिया है। खटोले का नंबर? बेवकूफ, घर का टेलीफोन नंबर खटोले का नंबर होता है क्या? खटोला कितना प्यारा नंबर था। आ 6148 आ लो पहली सीडी पे ही रिपट गया। के था
चुप कर यार, मैं याद कर रहा हूं। 614 हाँ 6161 6148 23 बेवकूफ तू था क्या, तुझे क्या पता 23? आई एम सॉरी 6148 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
हेलो, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं? सफाई कर रही हूँ। सफाई? वेरी गुड वेरी गुड, सफाई बहुत अच्छी चीज है। कभी कहीं के नौकरानी है, नौकरानी। आप नूपुर जी बोल रही हैं ना? जी, मैं बेबी की आया बोल रही हूँ, इमरती। तो 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 नूपुर जी को बुलाइए। बेबी बेबी, आपका फोन। गधे कहीं के नौकरानी पहले आए मारने लगे। अब वो आए तो उसे बताना कि तुम बस स्टॉप वाले मजनू, कहीं वो भूल गई होगी तो। वो मुझे भूल जाएगी। क्यों तुम ऊपर से टपके हो, सुरखाब के पाल लगे? हेलो हेलो नूपुर जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। बस स्टॉप वाला मैं आपको बस स्टॉप पर मिला था कल, और आपने मुझे गलत तरफ लिफ्ट दे दी थी। हाँ हाँ, कैसे आप? आज क्या बेच रहे हैं? मैं तो सारा कुछ मुफ्त बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सब कुछ मुफ्त बेचने को तैयार हूँ, लेकिन कोई खरीदने वाला तो मिले। मुझे वो ऐसा था कि मैं आज गोल्फिंग की तरफ आ रहा था, वो आज कुछ काम वाम मुझे है नहीं, तो मैं मुझे नहीं मुझे गोल्फिंग की तरफ काम था, तो मैं गोल्फिंग की तरफ आ रहा था। अच्छा, फिर घर जरूर आइएगा, डैडी से भी मिल लेना। डैडी से? जी, वो आपको चक्कर आते हैं ना? वो चक्कर वक्कर तो ठीक हो गए, लेकिन 11 बजे से पहले आना, उसके बाद मैं रिहर्सल पे जाती हूँ। कहा की रिहर्सल है? प्ले की रिहर्सल, मैं थिएटर में काम करती हूँ। ओह, थिएटर, थिएटर बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। वेरी गुड वेरी गुड करती हैं आप, वेरी गुड। तो मैं कल 12, मेरा मतलब है 11 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ। एड्रेस तो ले ले। आपने क्या एड्रेस बताया था? 10 नंबर की कोठी, सफेद रंग की। 10 नंबर की कोठी सफेद रंग की, सफेद रंग की 10 नंबर। जी जी, अच्छा, बाय बाय बाय। चक्कर, 10 नंबर की कोठी सफेद रंग की, 10 नंबर की कोठी। कमाल लड़की, पहली बार में तुझे घर बुला लिया डायरेक्ट? मुझे तो आज तक किसी भी लड़की ने घर नहीं बुलाया। जलता है, जलता है, जलता है, जलता है, जलता है, जलता है। कौन हो, क्या है, किससे मिलना है, कहाँ से आया हूँ? मेरा नाम विजय है। ओह, मेरा नाम अर्जुन। अच्छा, आप सेठ जी से मिले? नहीं, मैं। आइए आइए सेठ जी, आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए यहाँ। अच्छा जी, अभी बुला के लाता हूँ। जी आपका लैंप बड़ा अजीब है, वो अपने आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक है, आवाज से कंट्रोल। अच्छा, बड़ा अच्छा आइडिया है। डिस्को में होता है ना डिस्को लैंप, वैसा है। डिस्को में आप गए? डिस्को में? डिस्को लैंप। और क्या क्या यहाँ आवाज से कंट्रोल है? सिर्फ ये लैंप। अच्छा अच्छा, सिर्फ लैंप ही है। किसे मिलना था आपको? विजय, मेरा नाम विजय। ओह, आई सी। बचपन से कुछ चक्कर वक्कर आते हैं आपको? चक्कर मुझे? हाँ हाँ हाँ, वो बचपन में आते थे, जवानी में आकर ठीक हो गए। अब मैं, मेरा मतलब है, अब मैं बिल्कुल ठीक। गुड, हाँ ठीक ठीक हो गए। क्या काम करते हैं?
त्रिकोण में, त्रिकोण एड एजेंसी है, उसमें काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या सैलरी मिलती है आपको? अब 1500 तो बेसिक ही है, उसके अलावा। पिताजी क्या करते हैं? शतरंज खेलते हैं। मेरा मतलब है अब तो रिटायर हो चुके हैं और शतरंज का शौक है इसलिए। क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस? अब पूरी पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज थे वो। क्लर्क? जी हाँ। इतना बड़ा सिलर? सिगरेट पीते हो? जी नहीं, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। जिंदगी खुद ही एक जुआ है। अरे वाह। अच्छा, तुम जाओ। मैंने तुमसे जुए और शराब के बारे में तो नहीं पूछा था। नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ। नूपुर को कब से जानते हो? बस स्टॉप से। मेरा मतलब है कल से जानता हूँ, कल हम बस स्टॉप पे मिले थे। तुम भी वो थिएटर करते हो, एक्टिंग वैक्टिंग? स्कूल में तो बहुत की थी। स्कूल की रामलीला में हनुमान जी की वानर सेना में था और कॉलेज में आके मिमिक्री की। हमारे कॉलेज के एक हिंदी प्रोफेसर की तो इतनी अच्छी नकल उतारता था कि पूरी कैंटीन में हंगामा मच गया। तुम क्या क्या करते थे इसके बारे में तो शायद मैंने नहीं पूछा था तुमसे। हाँ नहीं, वो तो आपने नहीं पूछा। वो नूपुर जी दिखाई नहीं दे रही? दिखाई भी नहीं देंगी, रिहर्सल पर गई हैं। ओ, आपने मुझे बताया नहीं अर्जुन दास जी? आपने पूछा ही नहीं विजय कुमार जी? हाँ मैंने पूछा ही नहीं, तो मैं इजाजत चाहूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठी धोखेबाज, अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। मैं अब तक यही सोचता रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बना रही। नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुमने मुझसे इसलिए मोहब्बत की ताकि तुम मेरी जमीन जायदाद हड़प लो और मैं सड़कों की धूल फांकूं। तुम्हारे अंदर जरूर कोई शैतान है, वरना कोई इंसान इतना जहरीला नहीं हो सकता। तुम मेरी बात तो सुनो। मत छुओ मुझे, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मत छुओ वरना जान संभाल दूंगा। के ओए ओए ओए, की गड़बड़ करछे? एत तो भलो गंभीर सिंह चले छिलो, सब गड़बड़ कर दिए। चलो टी ब्रेक। माफ कीजिएगा नूपुर जी, मैंने आपकी रिहर्सल तबाह कर दी। दरअसल मैं आपके सीन में बहुत इन्वॉल्व हो गया था। वो सीन ही कुछ ऐसा था, बहुत ड्रामेटिक था ना? बहुत ड्रामेटिक, मेरा तो दिल ही हिल गया। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप ऐसी चीजें क्या रेगुलरली करती रहती हैं, एक्टिंग एक्टिंग? हाँ, क्यों नहीं? मतलब आपको अजीब नहीं लगता कभी रोते रहना, कभी हंसते रहना, कभी ये बन जाना, कभी वो बन जाना? मुझे अगर कोई कहे कि सुबह सुबह उठकर 4-5 थप्पड़ खाने हैं कल, तो मेरी तो रात की नींद ही खराब हो जाए। अच्छा बताइए, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आप क्या ले रही हैं? चाय। हाँ मैं भी चाय लूंगा। कालीदास जी, मैडम चाय लाना इनके। अच्छा जी। दूध में शक्कर की तरह मिला दिया, जब खुल के मीठा किया तो मक्खी की तरह निकाल दिया। क्या यही है प्यार तुम्हारा? क्या प्यार यही है तुम्हारा? क्या यही है प्यार तुम्हारा? उस आदमी को कुछ हो गया? वो रिहर्सल कर रहा है। रिहर्सल कर रहा है? बाप रे, एक्टिंग इतनी खतरनाक चीज है, आदमी को ऐसा सब हो जाता है? क्यों, हम जिंदगी में भी एक्टिंग करते हैं। अपने माँ बाप के साथ कुछ और, अपने दोस्तों के साथ कुछ और, अपने बॉस के साथ कुछ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ और। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है ही नहीं। नहीं है तो हो जाएगी। चलो चलो चलो, टी ब्रेक इज ओवर, अब कुछ काम ही कर लेते हैं, टेंशन कर लेते हैं। आप आइए ना अंदर। ओए सुनो, नो आउटसाइडर्स, विजिटर्स आर नॉट अलाउड, अंडरस्टैंड? ओके चलिए। मैं वैसे भी बहुत बिजी हूँ जनाब, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। आपकी रिहर्सल कितने बजे तक खत्म हो जाएगी? रात तक चलेगी। रात तक? तो मैं 7-7:30 बजे तक आऊँ तो चलेगा? ठीक है। ये कितने का है? ये 75 का। रुपए का? जी हाँ, रुपए का। ये कितने का है? 50 का। और ये? ये 25 का। ये एक कितने का है? ये एक? ये तो बड़ा मामूली सा, केवल 2 रुपए का। 2 रुपए का एक? जी हाँ। पहले से पता होता तो म्युनिसिपैलिटी के गार्डन से तोड़ के नहीं लाता मैं। अरे रुकिए तो सही हुजूर, ये बताइए आपको चाहिए किस लिए? वो मुझे किसी को। समझ गया मैं। ऐसे कीजिए, आप इसको हमारे तरफ से भी ले जाइएगा। अच्छा।
ऐसा हुआ कि हम भी एक बार ऐसे इश्क में फंस गए थे वहाँ कुतुब गार्डन के पीछे। मैं बाद में आके सुन लूंगा। थैंक यू वेरी मच। हमें तो कोई सुनता ही नहीं है। हमी इमोशन चाहिए इमोशन। खिदेर जाला खिदेर ना खिता कोनो जोम तो ना। जी सर। भूख भूख हंगर आंखों में दिखाओ। गिव इट टू मी जस्ट गिव इट टू मी। हस्चो केनो। ए तू फिर आ गया। अबे क्यों मेरा नाटक फ्लॉप करने पर तुला हुआ है? ऐसो ऐसो तुम ही करो रिहर्सल। आमी चाची ये तो इमोशनल आता सीन समझा रहा था सब डिस्ट्रॉय कर दिया। हाय हाय आई एम सॉरी मैंने आपका रिहर्सल फिर खराब कर दिया। आपका डायरेक्टर कितना नाराज हो रहा है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो दिन में तीन चार बार ऐसे ही गुस्सा करता है। वाकई बोचो हमें तमाशा कुछ आमी के जोकर। हास्टो केनो। मैं नहीं हंसा। मैं आपके डायरेक्टर साहब तो बहुत ही ड्रामेटिक आदमी है। स्टेज के डायरेक्टर होते ही ऐसे। नहीं लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। वो क्या बहुत दिनों के बाद प्ले कर रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा तो ऐसी हालत हो जाती है। खतरनाक काम है। तो नुपुर जी मैंने बाहर बहुत ढूंढा आपकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। मैं इधर देख रहा था उधर देख रहा था। वो मैंने घर में भेज दिया। नहीं तो अब फिर आप घर कैसे जाएंगे? देखती हूँ कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी तो चली जाऊंगी। तो मैं आपको घर छोड़ दूं? आप मेरी मर्सिडीज। मर्सिडीज? हाँ आपको स्कूटर पर तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी मर्सिडीज का पिकअप तो वाकई बहुत अच्छा है। मैंने आपसे कहा था ना। ओके सी यू। कहा? वो कैंटीन की कोने वाली टेबल है ना, मैं वहां अक्सर बैठती हूँ। कैंटीन की? हाँ हाँ मुझे याद है कैंटीन की कोने वाली टेबल। आप आएंगे ना? हाँ जरूर 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 आएंगे। आएंगे कैसे नहीं, जरूर आएंगे। कब? अभी नहीं, अभी तो बहुत देर होगी। कल? कल कल नहीं परसों। परसों? अच्छा परसों। बाय बाय। कैंटीन के कोने वाली टेबल परसों। कैंटीन के कोने वाली टेबल परसों। मेरा जैकेट परसों ले ले। भंडारी भंडारी। चप्पू सब ठीक ठाक तो है? कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई देते हो। क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गई स्वामी जी। क्या हुआ? लगता है उन अगरबत्ती में मसाला कुछ ज्यादा ही डल गया था। कहीं आपने गलती से एक्सपोर्ट वाली तो मेरे ऑफिस में नहीं भेज दी थी? बहुत हंगामा हो गया। सारा स्टाफ पतंग बन गया। खींच खींच के नीचे उतारना पड़ा। बेटे हम तुम्हें कितनी बार क्षमा करेंगे? ये क्या बालकपन है प्रभु जी। थैले में अगरबत्तियां तो भक्ति ने डाली थी, मैंने तो केवल उठाया था। चल चल क्यों झूठ बोलता है मुक्ति। अगरबत्तियां दी तो तूने थी, मैंने तो केवल थैले में डाली थी स्वामी जी। प्रभु जी झूठ बोलता है ये। तू झूठ बोलता है। चल चल। ए चल चल झूठ बोलता है ये। तू झूठ बोलता है। देखिए तो झूठ बोलता है। शांत हो जाओ मूर्खो शांत। तो चप्पू और क्या समाचार है? तुम्हारा सुपुत्र पहुंचा विदेश से? जी हाँ पहुंच गया। उत्तम अति उत्तम। हमें उसकी बड़ी प्रतीक्षा थी। उसके द्वारा हमें अपना एक महत्वपूर्ण कार्य करवाना है। कौन सा कार्य स्वामी जी? तुम्हारे एक पुराने मित्र ओम सेठ के पास एक मूर्ति है। भंडारी भंडारी जो अनमोल है। हमारे लिए उसका पाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा अगर तुम्हारे बेटे की शादी ओम सेठ की लड़की के साथ कर दी जाए तो मूर्ति को हासिल करना मुश्किल न होगा। अगर ऐसी बात है स्वामी जी तो ये काम मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम्हारा लड़का ओम सेठ की लड़की के मन को वश में कर सकेगा? मन को? स्वामी जी अब मैं अपने मन से उसकी क्या बड़ाई करूं? आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद ही देख लीजिएगा। भंडार स्मार्ट वेरी स्मार्ट। इसकी तो स्पीड बात खोला।
बताओ मैं कौन है? ए अर्जुन हाथ छोड़, क्यों मस्करी कर रहा है? नहीं मैं अर्जुन नहीं है, अर्जुन नहीं। एक चांस और देते, बताओ कौन है? नहीं पता चल रहा भाई। एक हिंट देते हैं, तुम्हारे बचपन के साथी। बचपन का? ओ बद्री। मगर तू तो आम के पेड़ से गिर के मर गया थे। आम के पेड़ से गिर के मर गए थे, लेकिन फादर ने कभी बताया नहीं। बाय द वे आपके नाम क्या है? इमरती। इमरती क्यों? आई मीन आप नुपुर नहीं है? तुम्हारे नाम क्या है? मेरा नाम सरद चोपड़ा। कहाँ से आए हो? उधर से। नुपुर किधर है? अंदर। अंदर किधर? अंदर। उधर जाते। इमरती वेरी प्लीज टू मीट यू। ओह हाय सेट अंकल, रिमेम्बर मी? साइडी। हे साइडी, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? वेरी प्लीज टू मीट यू। वाओ अंकल, 10 साल हो गए हैं और आप बिल्कुल वैसे नीट ट्रिम हैं। वाओ। You know, I go for exercise daily. Oh, that's very good, that's very good. Uncle, wo, Nunu, kidhar hai? Huh? Nunu? Wo. Hi, Sairi. Nunu! Statue. That's nice. Milte hi bachpana shuru kar diya tum logo ne apna. Nupur, azad bhi karo apne bhundu ko. Okay, off. Nunu, you're not a little girl. How are you? Achha, listen. नीचे ब्लंडर हो गए। क्या हुआ? वो एक लड़की है इमरती। मेरी आया? आया? बस मैं कि तुम आए और मैं। What? Very glamorous girl, very glamorous. साइडी, तुम्हें चश्मा कब से लगा? Oh, स्टेज में बहुत लड़कियां घूरते थे। पढ़ते भी थे कभी, पढ़ते भी थे। डैडी, साइडी बहुत स्मार्ट हो गया है। You are right. साइडी बेटे, बैठो। Yes sir. नूपुर? जी? आप यूं ही बातें करती रहेंगी या उसके लिए कुछ खाने पीने को भी लाएंगी? डैडी, मुझे रिहर्सल में देर हो रही है, प्लीज। रिहर्सल्स? व्हाट रिहर्सल्स? तुम्हारा प्लेज अभी भी चलता है? अरे नूपुर, थिएटर करना है तो मेरे साथ ब्रॉडवे चलो। दैट्स द प्लेस, ब्रॉडवे। व्हाट? यस, द वेस्ट इज द बेस्ट। यहाँ पर थिएटर करो कुछ भी नहीं मिलता है, वहां पर डॉलर्स ही डॉलर्स है। डैडी मैं जा रही हूँ। मैं भी चलेंगे। तुम वहाँ क्या करोगे? बोर हो जाओगे। बोर? तुम्हारे साथ ना, एंजॉय करेंगे। वैसे मैं बहुत बोर हो गया हूँ। दिस इज अ गॉडडैम डेड सिटी। साइडी मैं वहाँ काम करूंगी। सो व्हाट? तुम काम करते वक्त देखेंगे, मैं भी सजेशंस देंगे। प्लीज साइडी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बेटे ले जाओ उसे अपने साथ, इतने दिनों बाद मिले हो, उसका भी वक्त गुजर जाएगा। या वांट टू कम अलोंग? चलो। गुड, मेरे लिए थैंक यू। चले। बेटा। जी साहब। क्या मंगा साहब? पनीर पकौड़ा, मलाई पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, प्याज पकौड़ा? बाथरूम, बाथरूम। थैंक यू। ये है हमारा थिएटर। बहुत छोटे हैं। सारी तुम जरा बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके। ये कोट पकड़ोगे प्लीज? श्योर। आह, अ रोज। Excuse me. अरे
Very strange. Hey, excuse me. Hey. मेरा जैकेट. Funny. Oh, hello. आप कब आए? बस अभी. इनसे मिलो. यह है सुरेंद्र चोपड़ा. Oh, hello. My friends call me Sairi. Very pleased to meet you. Sairi, यह है विजय. Hello, Vijay. आपका कोट. Thank you. Oh, ये जैकेट तुम्हारे है. तो पहले क्यों नहीं बताए थे? खम खा खींचम खींच क्यों कर रहे थे? सारी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. Really? तुम्हारे साथ प्लेस वगैरह में काम करते हैं? नहीं. हाँ मैं जानता हूँ किस तरह के रोल्स करते होंगे. रिजेक्टेड लवर के गुलाब का फूल भी है. एक फूल दो माली. What? कुछ नहीं साहब, मार्केट में फिल्म लगा है. क्या फिल्म है, क्या गाना है. संजना हो संजना तेरे प्यार में मैं गई खो संजना. इधर आओ. सैंडविचेस रखो. गेट लास्ट. हिंदी फिल्म का गाना. हिंदी फिल्म बहुत रॉटन होते हैं. कोई प्लॉट नहीं, कोई टेक्निक नहीं. हॉलीवुड फिल्म आर द बेस्ट. नुपुर तुम्हारे कॉस्ट्यूम रेडी है? आती हूँ. विजय मैं दो मिनट में आई. सारी टू मिनट्स. नो जल्दी आना, तुम्हारे बिन दिल बिल्कुल नहीं लगते हैं. तब तक तुम इनसे बात करो. नो तुम्हारे साथ जो बात करने की मर्जी इनके साथ तो नहीं है, है ना. मैं अभी आती हूँ. ओके. यस विजय, बैक टू हॉलीवुड. आप कभी हॉलीवुड गए हैं? जी नहीं. गाना चाहिए. आप झुमरी तलैया गए कभी? व्हाट? झुमरी तलैया? हाँ. वहाँ पर क्या है? वहाँ से विविध भारती पर सबसे ज्यादा फरमाइशें आती हैं. ओह, लगता है वहाँ के रहने वाले हैं. एकदम गांव वाले जैसी बातें कर रहे हैं. क्या? इतने सालों बाद नूनू और मैं मिले हैं, बाहर निकले हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं. Why don't you sit on some other table? Just fade. आप नूपुर के चचेरे भाई हैं या ममेरे? What ममेरे चचेरे? मैं उसको बचपन से जानते हैं. हमारा शादी होने वाले हैं. वे प्रैक्टिकली एंगेज्ड. नूपुर की आपसे मंगनी हुई है? हाँ हाँ. नूपुर ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं बताई. इसमें मेरी गलती? जा रहे हैं. नूनू से कुछ कहने हैं? कुछ नहीं. गुड. आई लाइक इट. झुमरी तलाया. लो पत्ता फेंको खज्जू. ले भाई रमेश, यो रहा हुकम का गुल्ला. अरे आइए मजनू. कुछ हुआ? कुछ बात बनी? अरे वो कोने वाली टेबल तुम्हें किस कोने तक ले गई? मौसम कैसा रहा? अरे बताना यार, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं पीछे. ये क्या है? अरे ये क्या, जुए का अड्डा है क्या मेरा? अरे क्या हुआ तुझे? जा रमेश घर जा, मुझे सोना, नींद आ रही है, सर दुख रहा है मेरा. अरे बड़े परेशान दिख रहे हो. अरे कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतनी बात कर रहे हो? पहाड़ क्या, बिजली गिरी है बिजली. अरे बात में घुमा फिरा क्यों रहे हो? हैं सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं लाते? क्या हो गया? मेरा ही कसूर है, मैं ही कुछ ज्यादा जोश में आ गया था. हाँ? दरअसल हम बस की लाइन में खड़े रहने वालों को इन एयर कंडीशन गाड़ियों के ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए. जुकाम हो जाता है कमबख्त. लेकिन हुआ क्या? क्या वो आई नहीं? आई तो थी ना. आई क्यों नहीं, अपनी तरह किसी अमीर फॉरेन रिटर्न लड़के के साथ आई थी बस. अरे तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? ऐसा कर, एक लोटा ठंडा पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा. नहीं, इसे सदमा पहुंचा है. सदमा? शॉक लगाए शॉक, 440 वोल्ट का. विजय कहाँ गए? वो झुमरी तलाया. क्या मतलब? मतलब सडनली ही जस्ट वॉक्ड अवे. कुछ कह के गए हैं? नहीं. ओ हाँ, कुछ नहीं. चार सौ चालीस वोल्ट की लड़की, नोट वाली हो या कड़की. 440 वोल्ट की लड़की, नोट वाली हो या कड़की. अगर इश्किया है सच्चा तो पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, कभी न पीछे हटना बच्चा. 440 वोल्ट की लड़की. करंट मारे बिजली जैसी, उड़ जाए वो तितली जैसी. तीखे तीखे आँख का काजल, दिल वालों को कर दे पागल. प्यार का सपना सजा के, रोवे है क्यों दिल लगा के. आया 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 आया
थाने में भिजवाए या जेल की वो राह दिखावे। चाकू चले चले तलवार या हो गोली की बौछार, चार सौ चालीस वोल्ट की लड़की। एक दिन ऐसा आवेगा जब सपना सच हो जावेगा, बंगला कार पे फोन और कार, बंगला कार पे फोन और कार, उसके लिए होंगे बेकार। गिरेगी तेरे पाँव पे आके, गिरेगी तेरे पाँव पे आके, तुझ पे दिल का प्यार लुटा के। ये तेरे हाथ है पप्पू, जैसे चाहे चला ले चप्पू। मैं क्यों करूं आपको फोन, आप नहीं कर सकती? जरा परवाह होती मेरी तो अब तक तो कर चुकी होती। मुर्दा साईं जी के साथ बात कर रही हूं, सारा दिन लगे रहो फोन पे, लगे रहो। जाओ। हेलो, त्रिकोण एड एजेंसी। यस जी, मैं विजय से बात कर सकती हूँ? कर रही हैं। आपको पता है आप बहुत स्वीट हैं। हाँ मालूम है, थैंक यू वेरी मच। अब अपने काम की बात कीजिए, कौन है आप? जी मैं नूपुर। नूपुर जी, क्या हुआ, आपके ऑफिस में कोई भूचाल आया है क्या? नहीं 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 नहीं, भूचाल क्यों आएगा? मैं कब से आपका टेलीफोन लगा रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा, मैं भी आपको फोन मिला रही थी। जाइए जाइए, आप हम गरीबों को क्यों फोन लगाने लगी? अच्छा अब ज्यादा बनो मत। सुनो, आज मेरी रिहर्सल नहीं है, शाम को मिल सकते हो? शाम, शाम को क्या हुआ? नहीं मैं सोच रहा था कि आज शाम को कैसे होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों क्यों, कभी क्यों, कभी आज ही शाम को मिल लेते हैं, आज ही शाम को मिलते हैं। नूपुर जी आज ही मिल लेते हैं। कहाँ? बस स्टॉप पे मिल लेते हैं 5 बजे शाम को, फिर वहां से जहां आप कहेंगे चल देंगे। ओके बाय बाय बाय। बस स्टॉप 5 बजे बस स्टॉप। आपको कौन सी बस में जाना है? हाँ? आपको कौन सी बस पकड़नी है? 851। 851? अरे उस जगह तो बहुत सन्नाटा होता है, उसके कंडक्टर और ड्राइवर बहुत बदमाश है, टिकट बाद में देते हैं, पहले हाथ मारते हैं। तू अपना ख्याल रखना। आपको कभी मारा है? मुझे मला मारून तर पाहू दे, नहीं इकडचे दोन तिकडे करून ठेवला तर पहा। तू अपना ख्याल रखना। वो देखो एक गुंडा आ रहा है, हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, आने तो दो उसको। हाय, एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। हम चले? हाँ चले। अब लड़कों की तरह लड़कियां भी तेज हो गई है, अभी मुझे बेवकूफ बना रही थी। का होना आमच्या देशाचं? अब तो पता चल गया ना, अब बोलो सॉरी। मैं क्यों बोलूं? उस दिन बिना मिले क्यों चले गए थे?
थोड़ा इंतजार तो किया होता। पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारे और ऐसे कितने दोस्त हैं? सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन। अच्छा, अब ज्यादा अकड़ो मत। अकड़ नहीं रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता ये सब दाव पेच। मैंने तो पहली बार प्यार किया ना। तो मैं क्या रोज रोज प्यार करती हूँ? बड़े बोले दाव। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मिलाउट, अब इस किस्से को यही खत्म। आज के बाद किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई इला नहीं, ठीक है? ठीक। हमेशा हमेशा वादा वादा। अब तो बोल दो सॉरी। आई एम सॉरी। अरे तो बस का किराया दूर से खर्च करके लाया हूँ। अभी चल 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 तो मेरी बात लोग देख रहे हैं ना। कौन है? अरे वो भी तो यही सब कर रहे होंगे। कौन है? अरे अरे ये तो अपना दोस्त है। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें। चलो कैसे कबूतर की तरह देखा हुआ है। सलाम साहब, सलाम। अरे कैसे हो? पटा दिया आपने। क्या पकड़ा है? ये कौन है? तंग आ गए थे भीख मांग मांग कर, तो सोचा कुछ नया ही किया जाए। वो लाइन छोड़कर आवाज़ की शुरू कर दी है। आई आई मेरी तरह। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो भाई। शुक्रिया शुक्रिया, इनसे मिलिए, ये है मेरी बीवी। पार्टनर? आज करीनी के साथ। सलाम मैडम, कहिए कैसा है चमन? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? पार्टनर को लेके जाए। अच्छा फिर चलते हैं। अच्छा मैडम। हाँ सलाम सलाम सलाम। जाने देते तो अच्छा था ना यार, आपको जोरू का गुलाम नहीं लगता है? आए चल ना। कौन था ये? है अपना एक पुराना यार। ऐसे यार है तुम्हारे? छी छी भी मत करो मैडम, जब अपने दगा देते ना तब ऐसे लोगों को यार बनाना पड़ता है, समझी? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे वो उस दिन मिला था जिस दिन आप लटक मटक करके उस साइडी कंबख्त के साथ निकल गई थी ना। हाँ। याद है वो जो कैंटीन में? अच्छा, वो दिन? हाँ, वही वही दिन। और उस दिन मेरे दिल पे क्या गुजरी थी ये तो मैं ही जानता हूँ। जी तो करता था उस साइडी के सर के दो टुकड़े कर दूं, या अपने आप को पता नहीं जाने क्या कर। ओहो विजय, कैसी बातें करते हो बाबा आदम के जमाने की। वो मेरा दोस्त है। होगा तुम्हारा दोस्त वोस्त, लेकिन मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, बता देता हूँ मैं साफ साफ। हद हो गई, मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह मिल भी नहीं सकती। मिलने का कोई तरीका होता है कि नहीं? अच्छा तो मुझे अपने जीने के तरीके तुमसे सीखने पड़ेंगे। और मैं क्या क्या नहीं कर सकती ये भी बता दीजिए दादाजी। देखो देखो भाई, अगर तुम्हारे यही सब विचार है तो हमारी दोस्ती का तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं, किसी का फायदा है? रहने दो, किसने कहा था दोस्ती करने? हाँ तो भी ठीक है भाई, रहने दो रहने दो। तो रहने दो ना, रोप किस पर झाड़ रहे हो? अरे कौन रोप झाड़ रहा है भाई है? देखो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, बता देता हूँ साफ, याद रखो। हाँ मुझे भी कोई परवाह नहीं है। ढूंढ दो उस जैसी, अपने दोस्त जैसी। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे तुम क्या मुझे अपना रास्ता दिखाओगी? मैं उससे पहले अपना रास्ता नहीं लूंगा। जाओ, तुम क्या दिखाओगी रास्ता? विजय जाते हैं।
स्वामी जी, अब तो अपना अगरबत्तियों वाला काम बहुत अच्छा चल निकला है। भंडारी भंडारी, लेकिन तुम असली काम को तो भूल ही गए, बल्कि उल्टा ही हुआ। वो नुपुर तो किसी और लड़के के साथ घूम रही थी पार्क में। क्या? नहीं रही थी स्वामी जी, गा भी रही थी और भी ना जाने क्या क्या चल रहा था। हमने देखा अपनी आंखों से सब कुछ। वाह क्या गाना था, गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगी। अरे मर जाऊंगी नहीं बेवकूफ, कट जाऊंगी। चल चल, तुझे कुछ याद भी रहता है? अरे तुझे कुछ समझ आया जो बोल रही थी? चल बेवकूफ, शांत हो जाओ मूर्खो। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हो कैसे नहीं सकता, हुआ है। चप्पू, हमने तुम्हें कितनी बार कहा कि वो मूर्ति का हमारे पास होना अत्यंत आवश्यक है। जी मैं समझ गया स्वामी जी। बकवास, तुम कुछ नहीं समझे। अगर समझे होते तो उस लड़के के बजाय तुम्हारे सुपुत्र को होना चाहिए था नुपुर के साथ। वो तो मैं समझ गया, आप ठीक कहते हैं। शायद तुम भूल गए हो कि मूर्ति का काम होने के बाद हम तुम्हें एक ऐसा इनाम देने वाले हैं जिसे तुम जिंदगी भर हमारे गुण गाओगे। जी अब कोई गलती नहीं होगी स्वामी जी। भंडार भंडार, आज कौन सा नया चाल खेल रहे हैं? मैं तो हार गया हूँ बेटे। ओह फादर, नेवर माइंड नेवर माइंड। हे सीर अंकल, मुन्नू किधर है? बेटे वो उधर नीचे बरामदे में है, फार्म हाउस जाने की तैयारी कर रही है। वाओ, फार्म हाउस यानी खेतों वाला घर, किस लिए? गुलाब की कुछ नई कलमें मंगाई थी हमने, उन्हीं को लेकर जाना है। इसके अलावा एक दो काम और भी। ओह अंकल, मैं भी जाएंगे। नूनू, हाय साइडी। हाय। ये कौन घुंघरू चमके, चंप 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 चंप, ये कौन फूल महके। ओ जरा देखकर फूल फूल कहते हुए मेरे ऊपर ही चढ़ जाओगे। सॉरी सॉरी फॉर यू नूनू। ओह थैंक यू सो मच। वाओ ये रंग तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कैसे हो? अरे कैसे पूछते हो कैसे हूँ, कैसे बताऊँ कैसे हूँ। जैसा तुमने छोड़े थे अब तक बिल्कुल वैसा हूँ। वाह वाह, क्या शेर कहा है। आपको पसंद आए? थैंक यू थैंक यू। आप ही के लिए याद किए थे। मेरे लिए? सॉरी आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं आज तुम्हारे साथ फार्म हाउस चलेंगे। तुम वहाँ क्या करोगे, बोर हो जाओगे? बोर बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहेंगे तो वक्त अच्छा कटेंगे। ये कौन बोला है? कहाँ पे? इतनी जोर से आवाज में आ रहे हैं, एको में आ रहे हैं। कैसी आवाज? नूपुर पुर 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 करके बुला रहे हैं। कहाँ पे? अरे बेबी कहीं ये कर्नल साहब के भूत की आवाज तो नहीं? भूत? You mean a ghost? साइडी मैंने तुम्हें कहा था इस रोड से नहीं लाने। Why not? यहाँ पे एक कर्नल रहा करता था, वो एक खूबसूरत लड़की को बहुत प्यार करता था। uh-huh. और जब वो उसे नहीं पा सका तो उसने अपने आप को इस पेड़ से लटका लिया। Oh my God, really? और तब से जब भी वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो यही आवाज निकालता है। और कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। पीछा नहीं छोड़ते? You mean? घर तक भी आ सकता है। घर तक? You mean farm house तक? वहाँ पे चौकीदार तो है ना? हाँ है। Ah, good. मगर आजकल छुट्टी पे गया हुआ है। Oh my God. साइडी? No, please, डराओ नहीं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं डर तो नहीं लग रहे हैं। चले वी बेटर। मेरा हाथ किधर है? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा तो ऊपर है। वाह यू लुक सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक ताजी गुलाब सी और उसकी बूंद वाले। थैंक यू। तुम ऊपर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। अरे व्हाई, ये भी बदल लो ना, देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस, इतनी जगह तो है यहाँ पर। तुम्हारे सामने तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओके बेबी, मेरे पीठ पीछे बदल लो लेकिन फास्ट। लेकिन हाँ तुम पहनेंगे क्या? क्या मतलब? मतलब कुछ सेक्सी चीज पहनो ना, जिसे मैंने पहन रखी है।
आज की शाम को रंगीन बनाने के लिए कम ऑन नूनू कोऑपरेट। हे किधर गई नूनू, ये लाइट किसने बंद किए? सैडी गेट आउट ऑफ हियर। नूनू डोंट बी एंग्री, लेट्स हैव अ ड्रिंक, अ छोटा पेग। सैडी मुझे सुबह उठ के जल्दी काम करना है। नूनू जितना तुमको सोने हैं उतना मेरे को सोने हैं, अ छोटा ड्रिंक। इमरती इमरती तो सो गई है। सो गई? Yes, she's a very bright girl, intelligent. हम लोगों को disturb नहीं करना चाहते थे। देखो सैडी, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। अगर तुमने हाथ पार करने की कोशिश की, नूनू, तो... इस दोस्ती को बढ़ाने के लिए, let's have a drink. चौकीदार। तुम कौन है? कर्नल कपूर। कपूर? Right. तुम अंदर कैसे आए? कर्नल साहब, I'm very sorry. मैंने कुछ भी नहीं किए हैं। Great, attention करेगा। Attention. Attention. Great, forward march करेगा। Forward march. Great, दरवाजा खोलेगा। दरवाजा खोल। Ouch. Yes sir. Great, बाहर जाएगा। बाहर जा। वो तो चला गया। अब आपका क्या करना है? मुझे पता था। आप जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। कर्नल कपूर का काम हो गया। अब जाते हैं कर्नल कपूर। कर्नल कपूर? हाँ। गुस्सा थूक दीजिए। ची ची की बच्ची। अरे क्या बात सा है, कितना रात भर आजकल यू के चक्कर शुरू हो गया आजकल भाई। हाँ कुछ खाने को दे दे। अरे खाने को तो मैं बाद में दूंगा। यू मसाज सा है थारे वास्ते। यू मसाज मैसेज मैसेज। जब आदमी अंग्रेजी तो बोलता क्यों बेवकूफ। वही वही ये क्या 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 है क्या? अरे वो रमेश बीमार सा है, अस्पताल में से है वो। आज कश्मीरी की जगह अफगानी चढ़ा दी क्या? अरे नहीं नहीं सच कह रहा हूँ, परलोक अस्पताल। वो कमरा नंबर भी लिखा सा, देख लो। वो क्या क्या कमरा नंबर क्या? वो 1722 1722। हाँ वही। मगर हुआ क्या रमेश को? अरे बहुत इमरजेंसी केस है कुछ। इमरजेंसी? रमेश? हाँ। रमेश की इमरजेंसी? हाँ। अरे बुरे काम करेगा तो अस्पताल में तो जाएगा, और कित जाएगा मंदिर में ससुरा कहीं का। आ गया। आ, 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 आ। रमेश क्या हो गया तुमको भाई? मालूम नहीं, अजीब सी बीमारी है। यहाँ दर्द होता है, यहाँ यहाँ। कुछ ही दिनों की बात है विजय, तुम मेरे पैंट शर्ट बेल्ट अपने पास रख लेना, और मेरी मोटरसाइकिल बेचकर अपने स्कूटर को पेंट करा लेना दोस्त। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ये कब से हो गया तुमको? जब से बॉस ने छुट्टी नहीं दी तब से मैं छुट्टी मांग मांग कर थक गया, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ और बीमारी बढ़ती गई। अरे अरे विजय इनसे मिलो, ये है हमारी विटामिन जी की टिकिया, मिस चमन प्राश। चलो तुम तैयार हो, मैं अभी आया। तो ये है तुम्हारी बीमारी। विजय विजय जल्दी से कपड़े उतार, मुझे बाहर जाना है। क्या कपड़े उतारो? क्यों? हाँ मैंने उसको प्रॉमिस किया है, उसका बर्थडे है, मुझे रात को डिनर पर ले जाना है। नहीं। एक रात के लिए बस। अरे तुझे डिनर पर जाना तो मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? कम से कम दोस्ती में तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं दोस्ती में कपड़े नहीं उतार सकता। प्लीज यार विजय मेरी बात मान। नहीं ऐसा ऐसा क्या? एक उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कपड़े नहीं उतारूं। नहीं कोई नहीं, मैं सुबह 7 बजे तक आ जाऊंगा, तू चिंता मत करना। चौपड़ा का आदमी आएगा चेक करने के लिए, तू मुंह ढककर चुपचाप लेटे रहना बस। ओके सुजी, ये रमेश का हॉस्पिटल कमरा नंबर क्या है? जस्ट अ मोमेंट सर, 1722। 1722। विजय तुम अस्पताल में क्या हो गया तुमको? मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ। लेकिन तुमको किसने बताया मैं अस्पताल में? मुझे खजू ने बताया। खजू का बच्चा, उल्लू का पट्टा, नौकरी से निकाल दूंगा मैं उसको। तुम ठीक हो? कौन है? कौन सा चोपड़ा? अरे तुम्हारा बॉस का है। तू तू तुम बातों पे चुप जा, तुम बातों पे चुप जा, मैं बाद में सब बता दूंगा तुमको, तुम बातों पे चुप जा, प्लीज जाओ जल्दी करो। करा रहे हो क्यों? ये सब क्या है इडियट? अभी नीचे तुम्हारी शिकायत सुनकर आ रहा, पूरी कंपनी की रेपुटेशन को खराब करके रख दिया। अरे यहाँ की नर्सों को भी नहीं छोड़ हद। अब मुंह क्यों छुपा रहे हो? ये तुम्हारी काली करतूतें हैं जो तुम्हारी बीमारी बन गई हैं। ऑफिस में भी वही, बाहर भी वही,
अब हॉस्पिटल में भी नहीं रुके? मेरी इतनी अच्छी स्टाफ गर्ल्स गई तो सिर्फ तुम्हारी इन बदतमीजियों की वजह से। अब भी होश में आ जाओ, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं, या तो अपनी आरत बाजी छोड़ दो या फिर नौकरी से दफा हो जाओ, समझे? बदतमीज नहीं के। अच्छा वो चला गया चोपड़ा का बच्चा, तुम बैठो तुम्हें सब समझाता हूं, बैठो। अब क्या समझोगे तुम? मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। यहाँ बैठ के तुम नर्सों के साथ फ्लर्ट करते हो, ऑफिसर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। मैंने किसी लड़की के साथ? तुम संतरा खाते हो। ये मेरा फ्रूट कार भी तुम्हें बसों पे नहीं मिली होती। मेरे बाप, यू आर अ बिग फ्रॉड। मैं बैठ के मुझे बेवकूफ बनाते रहे। मैंने कुछ नहीं। शट अप, मेरी बात तो नुपुर नुपुर, मेरी बात तो सुनो। रमेश के बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रमेश, मैं तेरा गला कटवा दूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं रमेश। जरूर कुछ गड़बड़ है, वो ऐसा आदमी नहीं है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो एक शरीफ लड़का है, शरीफ। शरीफ शैतान है, शैतान, एक नंबर का शैतान। जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ, तुम ही तो कह रही थी कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर तुमने सुना ही नहीं। अब सुनने को रहा ही क्या है? मेरी एक बात मानोगी? उसे एक बार मिल लो, आखिरी बार ही सही, पर मिल जरूर लो। मिलोगी ना? जनाब, आपने अब तक काम शुरू नहीं किया। मुझे हर हालत में शाम तक बनियान के सारे फोटोग्राफ चाहिए, क्लाइंट को भेजने हैं। जगत मुरारी साहब, आप देख रहे हैं पूरा सेटअप तैयार है, अब जब तक मेन मॉडल नहीं आएगा काम कैसे शुरू करेंगे? आपने फिर इतने बिजी मॉडल को ले क्यों लिया? आप ही ने तो कहा था जावेद खान चाहिए, हिट मॉडल, पॉपुलर मॉडल। अब ले लीजिए जावेद खान को। आइए आइए लेट लतीफ साहब, कैसा रहा आपका हॉस्पिटल? रमेश के बच्चे, मैं तेरा गला दबा दूंगा, याद रख। क्यों, क्या हुआ? तू मुझे अस्पताल में फंसा के चला गया और वो नूपुर आई और वो सब गलत समझ समझ के रो धो के घर चली गई वो। अच्छा ऐसा कर, फोन करके मना ले जा। वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। उसने उठा के सबके सब नीचे रख दिए होंगे, उसका दिमाग तो तू जानता है। रमेश साहब, अब देरी किस बात की है? अरे वो आपके जावेद खान साहब नहीं आते तो उनको ना आने दीजिए, दूसरा मॉडल ले लीजिए। विजय, बड़ी मुश्किल है, जरा कमीज उतार। कमीज उतार? अरे जब देखो तुम मेरे कपड़े उतरवाने पर तुले हो। दोस्ती की खातिर प्लीज। नहीं, नहीं नहीं, एक बार निभाई थी दोस्ती, वो अब तक रो रही है बेचारी घर पर बैठे। अच्छा अच्छा, काम की खातिर, मेन मॉडल नहीं आया है, तू कमीज उतार। अच्छा तो बेटा तुम क्यों नहीं कर लेते, स्मार्ट बॉय तुम कर लो। ये कौन हैंडल करेगा, मुझे भी तो हैंडल करना है। प्लीज विजय साहब, मेरी मदद कीजिए, वरना कंपनी वाले मेरे कपड़े उतरवा लेंगे। अरे कोई बीमारी फैली है क्या शहर में, जिसको देखो मेरे कपड़े उतरवा रहे? विजय, आज शाम तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो चोपड़ा साहब हमें निकाल बाहर करेंगे। अरे तो मैं क्या करूं? अब एक फर्स्ट क्लास सपोज लो, चलो ये पांव पर रखो इसके ऊपर, और अब सीना फुलाओ, जोर से सांस लो, वेरी गुड। हाँ अब एक बहुत बढ़िया सा सिकंदर की तरह पोज लो। सिकंदर ने कौन सा पोज लिया? वेरी गुड, हाँ सिकंदर बनियान। फ्रेम से हटिए, सिकंदर बनियान। चलिए चलिए, जनरल जरा नजदीक आइए, आप भी चलिए सूजी प्लीज, वेरी गुड। अब हाथ कंधे पर से ले जाइए, दोनों दोनों, वेरी गुड। अब एक प्यार भरी नजर से देखिए बनियान को, होल्ड इट, कम ऑन, होल्ड इट। तो यहां पर ये सब है? अरे नुपुर नुपुर, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं बता, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। मैं नहीं, ये है बदमाश, इसने क्या है? मुझे यहाँ इमरती ने क्यों भेजा? मुझे क्या पता तुम्हें इमरती क्यों भेजा? देखिए यहाँ कुछ काम। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या मजाक है? देखिए ये सब मिलकर मुझे मार रहे हैं। उन्होंने मुझे मारा, मैं ऐसी जगह काम नहीं करूंगा जहाँ मार पड़ती है। नुपुर नुपुर, रुक जा प्लीज। तुम इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। मैं? हाँ तुम, और कपड़े पहन के आना। क्या समझ रखा तुमने इस ऑफिस को, मजाक? कोई काम ठीक से नहीं करते हो, हर काम में इनएफिशिएंसी बरतने लगे हो तुम। नहीं सर, वो बात ये हुई कि दरअसल वो शिव बूटी अगरबत्ती का पब्लिसिटी कैंपेन तैयार क्यों नहीं किया अभी तक? सर वो शिव बूटी अगरबत्ती वाले की डिजाइन में करना ही नहीं चाहता। व्हाट? हाँ सर, वो स्वामी उसमें चरस मिलाकर बेचता है, वो बहुत ही नालायक 420 किस्म का आदमी है वो स्वामी। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए सर। आखिर हमारे हमारे दफ्तर का भी कोई उसूल है कि नहीं है? फिर है, जरूर। सबसे पहला उसूल तो यह है कि हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बोलने नहीं देते हैं, और जो बोलते हैं वो ज्यादा देर तक यहां रहते नहीं। जी जी, और मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जरूरत से ज्यादा ही बोलने लग गए हो, कोई काम ठीक से नहीं करते हो, ऑफिस से गायब रहते हो। सुनने में तो यह भी आया कि तुम ओम सेठ की लड़की के साथ कुल छर्रे उड़ाते फिर रहे। ओम सेठ
नुपुर सर, सर नुपुर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ ये तो मेरा पर्सनल मामला है, इससे दफ्तर का क्या लेना देना है? माफ कीजिएगा सर, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। शट अप, मुझे मेरी हदें समझाते हो? हद से बाहर तो अब तुम जाओगे, इस ऑफिस से बाहर ही रहोगे आज से। ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, नाउ गेट आउट। फरेबी, धोखेबाज, बेईमान। क्या हुआ? मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। किसकी? कुछ बताओगी भी? तुम चुप रहो, तुम्हें ने मुझे उसके पास भेजा था, मैंने कहती थी वो एक नंबर का शैतान है। पर बेबी वो एक बहुत खबरदार, मुझे बेबी कहा, खबरदार आगे से मुझे बेबी कहा तो। आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई, आगे से उसका इस घर में आना बंद, और डैडी से कह दो वो घर में आए उसे अंदर नहीं आने देना। तो अंदर किसने आने दिया तुमको? मुझे नुपुर से मिलना है। खबरदार जो उसका नाम भी लिया अपनी जबान पर, इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ आने में शर्म नहीं आई तुम? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं नुपुर से। खामोश, मैं हमेशा समझाता रहा उस नादान लड़की को, दोस्ती और प्यार बराबर वाले लोगों के साथ की जाती है, लेकिन वो बेवकूफ थी। अच्छा हुआ जो वक्त से पहले ही तुम अपनी असली हैसियत पर आ गए, मिस्टर विजय कुमार। घटिया औकात छुपाने से कभी नहीं छुपती। गेट आउट। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चले थे महलों का ख्वाब देख रहे हैं, आई से गेट आउट। मुझे सिर्फ एक बार। अब क्या धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा तुम्हें यहां से? नूपुर की मेहरबानियों को अपना हक समझ लिया? तुम हो क्या, दो टके के लोफर? गोरखा, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। अब गोरखे को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? बाहर का रास्ता तो मुझे भी याद है ना। जलता है दिल तो उठता है धुआं, फिर क्या होता है? हाँ, फिर आदमी ढूंढता है साला अंधा कुआं। मैं क्या तुसी अन्नी के बिंदे हो जी? अरे मेरे प्यारे प्राजी, वो जड़ी कुड़ी है ना, ऐसा बाल बना के बैठी है, मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो जड़ा उलूदा पठा मुंडा है ना, चश्मा पाके बैठा है, कौन है? उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर तुसी कौन हो जी? टू पैस का बंदा जी, घटिया नो वैल्यू साला, लोफर सलाक साहब बोल के गेट आउट मिल जा। गेट आउट, गेट आउट का मतलब मुझे क्या मालूम कि विजय भी इधर होंगे। अच्छा अब चलो यहाँ। बट अरे हमने वो रोस्ट चिकन ऑर्डर कर रखे हैं। साइडी प्लीज साइडी, कम ऑन नूनू, द रोस्ट चिकन इज डिलीशियस ओवर हियर, टू हेल विद योर रोस्ट चिकन। चलो ना यहाँ। नूनू तुम समझते क्यों नहीं है? बच गए मुझ जैसे घटिया आदमी से बच गए जी, लोफर सलाट दो कौड़ी का। सर प्लीज सर, बाहर है सर। बाहर तो मैं हूँ मेरे मूछ वाले भाई, उसके बाप ने भी बाहर निकाल दिया, तुम भी बाहर निकाल दो। मैं साला दो कौड़ी का आदमी हूं, घटिया साला लोफर, तमीज नहीं है मेरे को? मैं तो चिल्लाऊंगा। प्लीज चिल्लाइए मत सर। नहीं नहीं मैं बराबर चिल्लाऊंगा, मेरे को तमीज नहीं है, मैं तो लोफर हूं। देखा पराजी, झूला डाल के आती है उसके साथ, और वो चश्मे वाला उलूदा पठा टोपी पहन के आता है होटल में, काउबॉय है साला, अमेरिका का काउबॉय मालूम है, गाय का बच्चा, टोपी पहन के आता है मेरी गर्लफ्रेंड को साला, टोपी पहन के लेके आता है। ठीक है लगे रे भाई, मैं तो घटिया आदमी हूँ, उसके बाप ने बोला था तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है, ऐसा बोला था उसके बाप ने, कसम से मेरा कोई। ए हेलो विजय, हाउ आर यू? साइडी चलो। बहुत बहुत लकी मैन है आप, वेरी लकी मैन, मुबारक हो। थैंक यू। नुपुर जी आपको भी बहुत मुबारक हो कि ऐसा प्यारा सुंदर साथी मिला आपको।
विजय आप तो शहंशाह शाहजहां है आप। यस 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 शाहजहां। यस मुबारक हो। यस यस मुबारक। नूपुर जी आपको भी बहुत मुबारक। आप पीकर बहुत डायनामिक बातें करते हैं। पीके करता हूँ मैं। शराब भी तो पिए। किसी का खून तो नहीं किया। यस यस यस। किसी को घर से बाहर तो नहीं निकाला। यस घटिया बोल क्या विजय। इज्जत नहीं है बोल क्या विजय। बाद में मिलेंगे अभी जाना है। तुम ये रहना कि जाने नहीं। सॉरी सॉरी नूपुर। नूपुर देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नूपुर देखो ऐसा मत करो। मुझे बर्बाद मत करो। मैं देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ नूपुर। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। एक 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 मिनट मेरी बात सुन लो। उसके आने से पहले एक मिनट मेरी बात सुन लो। अब सुनने को रहा क्या है। काफी कुछ तो सुन लिया है ऊपर। नूपुर ऐसा ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा नूपुर। मर गए बर्बाद हो गए। टायर पंक्चर हो गया है फ्लैट। तुम्हारे पास गाड़ी भी है। यस आप क्या करें। स्टेपनी है टायर बदल लो। ओ गुड आइडिया। पर लेकिन मेरे को टायर बदलने नहीं आते। तुमको आते। हमको आता है। हे गुड। लेकिन हम बदलेगा नहीं। नहीं बदलूंगा। नहीं बदलेगा। व्हाई नॉट। अरे नहीं बदलेगा। नहीं हमारा मर्जी। हम नहीं बदलेगा। तुम कौन होता बोलने वाला। हे यू आर वेरी स्ट्रेंज मैन। साला टोपी पहन के होटल में आता है। गाय का बच्चा साला हमारे को स्ट्रेंज बोलता है। हम स्ट्रेंज है। तुमको क्या करने का बोलो। अभी क्या करने का तुम्हारे को। विजय मैं तुमको बहुत शरीफ जेंटल ह्यूमन बीइंग समझते थे। तो तुमको गलतफहमी हो गया था। वो क्या तुम लोग बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग। हम नहीं है शरीफ। हम साला बहुत बदमाश डर्टी ह्यूमन बीइंग है। अभी जाओ तुम इधर से। तुम्हारा गर्लफ्रेंड को लेकर दूसरा होटल में जाओ। नॉनसेंस। जाओ साला। हे रिक्शो। हे रिक्शा वाला। हे रिक्शा वाला उठो। रिक्शा वाला उठो। घर पे नहीं है। सुनो सुनो क्या तुमको कार का टायर बदलना आते हैं। क्या किसका कार का टायर बदलने आते हैं। आता है। गुड गुड चलो 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 कम ऑन। अरे मैडम। अरे वाह। अरे आदाब आदाब। कहिए कैसा है चमन। शट अप। अरे मेरे दोस्त। मेरे दोस्त। अरे कैसा है तुम्हारा। कैसा है तुम्हारा। बहुत बढ़िया। कैसा है। अरे ये क्या ये कभी लिया। बस ले लिया। घंटी में बस लिया। ऐसी की करते करते हमने कहा बहुत हो गई। अब जरा थोड़ी सी कसरत। तू कसरत करता है आजकल। अरे मेहनत की जाए। तू जुट गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा करता। बहुत अच्छा आज टकरा गए तुमसे। तू गंगा की मौज वो जमुना की धारा ये बीच में कहां से आ गया गंदा नाला। ए सुनो सुनो बहुत गड़बड़ है। सुनो सुनो क्या है। सुनो जरूर कार के टायर बदलने हैं। मैं तुमको 50 रुपए देंगे। मत बदल। नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मेरा दोस्त। मत बदलना टोपी वाले का। अच्छा मैं कार का मैं तुमको 100 रुपए देंगे। अबे 1000 देगा तो भी नहीं बदलूंगा मैं यार के साथ। होगा नहीं करेगा। देगा देगा मेरा। देगा मेरा। अरे देगा देगा कैसा वापस नहीं करता। टैक्सी। हे नूनू वो पटक मेरे कार। टू हेल विद यू। तुम बैठो उसमें मैं जा रही हूँ। हे लिसन। चल 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 लपक लपक पीछे चल पीछे चल। नूनू उठो। टेनिस के पहले लेसन। दिस इज अ बॉल। इसको बाएं हाथ में पकड़ो। एंड दिस इज द रॉकेट रैकेट। इसको दाएं हाथ में पकड़ो। और रिसीव करने के लिए स्टांस ये है। ओके अब मेरा सर्विस ध्यान से देखो। एक्सक्यूज मी अब तुम्हारी बारी। Good try, good try. Once more. पटाखा है एकदम लड़की। Shut up. काम से काम रखो। देखो वो इधर ही आ रही है। नहीं भाई नहीं। अब हम विजय को नहीं बचा सकते। वो गया हाथ से बेचारा। मगर उसकी ये हालत हुई कैसे। अरे क्या पूछती हो। अच्छी खासी नौकरी थी भाई के पास। बड़े अफसर थे। खूब कमाई थी। ऐश थी ऐश। अरे तो फिर हुआ क्या। इश्क। किसी अमीर ओम सेठ की लड़की नूपुर से इश्क हो गया। और ये अमीर लड़कियां किस तरह की होती हैं तुम तो जानती हो। छोड़ गई उसे। नहीं वैसे गलती उसकी भी नहीं। एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। गलत फहमी। पहले एक हुई फिर दूसरी। कौन
सी झूठी वाली? हाँ हाँ वही तो। अरे जब मैं झूठी सिक लीव लेकर हॉस्पिटल में था ना, तो एक रात थोड़ी मस्ती करने का मूड। अच्छा। तो मैं विजय को अपने बिस्तर पर सुलाकर वहाँ से खिसक गया। फिर? और तभी इनकी मेम साहब इन्हें देखने वहाँ टपकी। और तभी आ गए हमारे बॉस साहब। अच्छा। उन्होंने बेचारे विजय को बहुत डांटा, खास तौर से लड़कियों को लेकर। दैट्स परफेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। मगर विजय को तो उससे मिलकर बताना चाहिए था। बड़ी कोशिश की मगर नूपुर टस से मस नहीं हुई। ये अमीर लड़कियां और इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही होता है। मगर विजय बेचारा तो मारा गया ना बेचारा। सुना आजकल रोज शराब पीता है। शराब? मौज कर रहा है मौज। कोई आई है मुन्नी भाई फैजाबाद से, रोज शाम को मुलाकात होती है बाग में, डेली विदाउट फेल। अच्छा। हाँ। कौन से बाग में है? आप कौन? मुझे छोड़ो, विजय को मुसीबत में फंसा के यहाँ नींबू पानी पी रहे हो? बदतमीज, अमीर लड़कियां नहीं तुम जैसे दोस्त खराब करते हैं जिंदगी। वन मिनट मैम, आप कहीं नीलम उफ नूपुर तो नहीं? यू मीन टू से? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। शट अप। ये बताओ विजय कौन से बाग में है? बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ। अरे छोड़िए तो सही, बताता हूँ। ऑल राइट, नूनू कमसिन उमरिया, अरे 16 बरस की कमसिन उमरिया, उस पे ये नागिन सी चाल गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे। गजरा सजाए कलकत्ते का जुल्मी गजरा रचाए, जयपुर का केसरिया लहंगा मंगाए, हाजर बजाए हमका लगाए, ओड़े चुनरिया लाल चुनरिया, जीने न दे गुजरिया, जीने न दे। Thank you.
बरस की कम सिन उमरिया उसपे ये ना गिनती काल गुजरिया दीने न दे उमरिया दीने न दे गुजरिया दीने न दे उमरिया दीने न दे कमसिन उमरिया उसपे ना गिनती चाल गुजरिया जीने न दे उमरिया जीने न दे गुजरिया जीने न दे उमरिया जीने न दे लेंगे या कॉफी? ओह थैंक्स इमरती, नहीं कुछ नहीं लेंगे। क्या बात है साईदी साहब, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ इमरती, परेशान तो मैं हूँ। क्यों इमरती? ये बीजे और नूनू का मामला बहुत गरीब है। हाँ बहुत, बेबी तो आपको बहुत पहले से कहना चाहती थी मगर आपने ही सुनने का मौका नहीं दिया। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है पर चाहिए साहब, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो जो के पार्मी, अगर चाहते तो और चाहे मिट जान बच गए। तो फादर हैं जो कहते हैं कि नूनू से शादी मनाने हैं। मैं आपकी हालत अच्छी तरह समझती हूँ, कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं आप। पर चाहिए साहब, इसमें उन दोनों की क्या गलती? कोई नहीं, उनका कोई गलती नहीं, मेरी तो प्रॉब्लम ही कुछ और है। क्या इमरती? मैं तो शुरू से किसी और को चाहते हैं। क्या नहीं नहीं मेरी जान, ये सुबह की बुलबुल की आवाज नहीं, ये तो चकोर की आवाज है। क्या था ये चकोर? तुम्हारी मर्दूद पड़ी हुई है। सुनो ना, तुम्हारे डैडी कब आएंगे? मैंने कहा ना लेट आएंगे, बाहर गए हैं। बहुत लेट आएंगे? अब सुनो। नहीं नहीं मेरी जान, ये बुलबुल की आवाज नहीं, ये तो चकोर की आवाज है। मेरी बात सुनो, देखो ये रात, ये तन्हाई, ये पकोड़े, तुम बीच में शेक्सपियर को क्यों कुदा रही हो? मौके का फायदा उठाओ। देखो वैसे भी इस देसी पकोड़ों और शेक्सपियर का कोई तालमेल है क्या? बताओ है? नहीं है ना, तो हटाओ इसको, हटाओ, मेरे पास आओ। मुझे डर लगता है तुम्हारे पास आने से, मुझे होश नहीं रहता। ये तो और भी अच्छा है, ना कुछ याद रहे, ना होश रहे, ना कुछ रहे। आ जाओ मेरे पास। ओहो लो पकौड़े खाओ, घंटे भर से तो पकौड़े ही खा रहे। अरे वाह, सॉस खाओगी?
तुम्हारी बाहों में कितना सुकून है और तुम्हारी बाहों में जिंदगी भर का आराम, उम्र भर का सुख, समाने भर की खुशी। अर्जुनदास, अर्जुनदास कौन है? डैडी, तुमने तो कहा था बहुत देर से आएंगे, डैडी कैसे आएंगे? अब आ गए तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? मैं कहां छुपूं? कहीं भी है? मैं उनको रोकती हूं। अरे बाप रे बाप, अरे विजय कुमार जी आप, अरे अर्जुन दास जी आप यहाँ? आप तेजी से मिलने आए? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए ना अर्जुन दास जी। मैं समझा नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज कर लीजिए आपकी एक महबूबा है और आप उसके साथ कमरे में बंद है और चाबी खो जाती है। नहीं, उसका बाप आ जाता है तो आपकी क्या हालत होगी? आपकी गिनती बंद हो जाएगी ना। अच्छा हाँ, अब आप मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में। लेकिन सर जी आप, मैं बस किससे बातें हो रही हैं? जी वो मैं कुत्ते से बात कर रहा था। व्हाट डैडी, अब पानी गर्म हो गया। यस बेटे, नूपुर बेचारी तुम्हारा काम कर रही है और तुम यहाँ बेवकूफों की तरह कुत्ते से बातें कर रहे हो। अभी जाता हूँ। नूपुर बेटे। जी डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, चलो। तुम्हारे डैडी ने अच्छा नहीं किया। वो अभी कुछ मैं सोचो, जल्दी करो। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जल्दी करो। मेरे जूते कहाँ चले गए? तुम्हारा जैकेट। जूते हैं मेरे। विजय। जा जा। ओहो जाओ ना। यहाँ से नहीं, वहाँ से। जल्दी करो। जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ? ओह एमी डार्लिंग, ये कहाँ कहाँ क्या लगा रखे हैं? तुम यहाँ और मैं यहाँ इस फनी फाउंटेन वाले गार्डन में। मेरा मतलब था कि मैं एक नौकरानी और आप। स्वीटहार्ट, प्यार दिलों के होते हैं, चेकबुकों के नहीं। लेकिन आपके पिताजी। एमी, ये शादी मेरे फादर कर रहे हैं या मैं? मैं जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे। ओके, इसमें गड़बड़ करने कोई जरूरत नहीं है। लो थोड़ा पकौड़ा खाओ, खाओ, कम ऑन, हैव इट, हैव इट, हैव इट, हैव इट। आ लवली, अब तो सारा जिंदगी इस तरह से पकौड़े खाते रहेंगे। खूब पकौड़े खाएंगे ऑल माय लाइफ। तुमको और का क्या बनाने आते हैं? टोपी। बोलो, शर्माओ नहीं, डरा रही थी सीता माता ने। हाउ एक्साइटिंग। के कया बहुत अच्छा। प्लीज आप आगे बोलिए, प्लीज आप आगे बोलिए ना। आगे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू अपनी टांग आने समेट के बैठ। वो रामायण सुनाने में डिस्टर्बेंस हो जावे। सुनाते सुनाते ध्यान कहीं और चला जाता है। मैं इस करके रामायण नहीं सुनाता। बस बस बाकी अगले संडे ना। प्लीज खजू चाचा सुनाइए आगे क्या हुआ। लो पप्पू आ गया। अरे जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही है क्या? कहाँ थे भाई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे हो गए, आधी रामायण सुन चुके। अरे सबके सब साथ है, खैरियत तो है? नहीं गड़बड़ है। क्या हुआ? वो शिवबूटी वाला स्वामी था ना। हाँ तो क्या हुआ उसको? उसने हमारी एड एजेंसी पर कब्जा कर लिया, ऊपर वाले कमरों में गोदाम बना लिया। पता नहीं क्या क्या भरा हुआ उसमें, हमें तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है हम किसी एड एजेंसी में नहीं बल्कि किसी स्मगलिंग के अड्डे में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता विजय, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर करें तो क्या करें, पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते हम लोग। तो चोपड़ा साहब से कहो ना, चोपड़ा साहब कुछ नहीं करते। नहीं, वो भी उनसे मिले हुए, सब मिली भगत। आई थिंक विजय समथिंग इज फिशी। अरे कोई कांटे वाली मछली पकड़ी सा है, बहुत गड़बड़ मामला है। बेकार की बातें मत किया करो। और स्वामी की खुफिया मीटिंग के बाद कुछ फोटो और कागजात मिले हैं, देखो। अरे ये तो नूपुर के घर का फोटो है। नूपुर के घर का ये क्या है?
नुपुर, नुपुर। विजय यहाँ पे भूत है। भूत? तुम्हारे कमरे में भूत? मैंने अपनी आंखों से देखा। नुपुर, तुम्हारे डैडी क्या हुआ बेटे? डैडी आ गए। मैं। तुम बाथरूम में छुप जाओ। बाथरूम। नुपुर बेटे। आई डैडी। क्या बात है बेटे? डैडी वो। हाँ हाँ बोलो, तुम चीखी क्यों थी? बुरा सपना देख रही थी। सपना? सो जाओ। देखो बेटे, अगर डर लग रहा हो तो मैं भी यहाँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कहिए मैडम, कैसा है चमन? कौन हो तुम? मैं। अरे नुपुर, ये तो आपको बाग में मिला था, तुमने पहचाना नहीं? हाँ, अरे भूल गई, जब चमन में मिले थे, फूल जब खिले थे, गुनगुना रहे थे, भंवरे खिल रही थी। कली दो, दो कली कली भाई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लग, ओ, अरे मैं तो झूठी पर हूँ। हाँ, ये भी एक साइड बिजनेस खोल रखा है, छोटी मोटी चोरियां कर लेता हूँ, अमीरों का कुछ जाता नहीं और अपना वेलफेयर पॉइंट चलता रहता है। और आपके आने में तो मुझे जरा से भी दिक्कत नहीं हुई, नीचे तो आपके वो लगी हुई थी वो सीढ़ी। हाँ सीढ़ी? हाँ, अरे वो तो मैं सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आया था ना। हाँ, अरे मुझे क्या पता था कि आपका घर है? घर? हाँ, अगर मुझे पता होता कि ये इनका घर है, ससुराल है, तो मैं यहाँ कभी चोरी करता? तो बताओ, मैं चोरी और आपके ससुराल में? कभी नहीं, कभी नहीं, मुझे माफ करना, आप तो खैर कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, भी चलता हूँ। वैसे आज बहुत बिजी शेड्यूल है, चार पांच चोरी और करनी है। फिर चलता हूँ, बाय बाय, मिलते रहना फिर। ओके, हाथ मिला लेती तो अच्छा था। नमस्कार। नमस्कार। देखा तुम्हारा दोस्त मेरे घर में आके चोरी करता है? अरे ये तो बहुत मामूली बात है, मैं तुमसे और तुम्हारी डैडी से इतनी जरूर। हाँ मैं, ताज्जुब हुआ ना, सच कहती है दुनिया, इंसान सबसे जीतता है, आता है तो सिर्फ अपनी औलाद से। नोपुर, नोपुर, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। डैडी मेरी बात तो सुनिए। डैडी आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपसे बहुत जरूरी काम। अमोश, बेशर्म, इतनी जलील और गिरी हुई हरकत करने के बाद भी मुझसे बात करने की जरूरत हो रही है तुम्हें? रात के 2 बजे जरूरी का? आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए अब भी मुंह लगने, डैडी मुझसे मुंह लगने की हिम्मत कर रहे हो तुम? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। और अगर आइंदा इस घर के आस पास भी दिखाई दिए तो जान से मरवा दूंगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। डैडी वो आपसे जरूरी बात करने आए थे और आप? बस बहुत हुआ नूपुर, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मेरी दी गई आजादी का मतलब यह था कि तुम मेरी इज्जत से खेलो। आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर निकलना, तुम्हारा थिएटर सब बंद। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था, बाहर भेजा था और बड़ा किया था ताकि तुम एक नौकरानी से शादी कर लो? फादर, ये आपकी नौकरानी हो सकती है लेकिन मेरी तो होने वाली बीवी है, मेरी जात पात ऊंच नीच कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तमीज, मुझे भाषण मत दे, हाथ नीचे कर, इससे तेरी शादी बिल्कुल नहीं होगी। इम्पॉसिबल, मैं तय कर चुके हैं। इम्पॉसिबल को तो मैं पॉसिबल बनाऊंगा, तेरा बाप हूं मैं, तेरी शादी नुपुर से ही होगी। पॉसिबली? हाँ यस, जबरदस्ती। अगर तू नहीं करेगा तो तुझे उल्टा पंखे से लटका दूंगा, गधा कहीं का। फादर, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं सेठ अंकल को बता देंगे कि मैं नुनू से प्यार नहीं करते हैं, और नुनू को भी बता देंगे कि उस काम के लिए कभी हाँ ना करें। डोंट बी सो शॉक्ड फादर। इमी डार्लिंग, मेरे ख्याल से फादर के लिए थोड़ा सा नींबू पानी लाने के हैं। मीठा या नमकीन? इसे शट अप एंड गेट आउट। तुम्हारी वजह से हमारे इस काम में देर हो गई। जानते हो अगर मूर्ति को हासिल करने में देर हो गई तो क्या होगा? स्वामी जी, मैं कोई दूसरा तरीका सोचता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। ना ना, बिल्कुल नहीं, अब तुम नहीं सोचोगे। जब तक तुम्हें एक झटका नहीं मिलता तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। नहीं नहीं स्वामी जी, आज वो दिन आ गया है जबकि तुम्हें तुम्हारा इनाम दे ही दिया जाए, जिसके बारे में हम अक्सर तुम्हें बताया करते हैं। कैसा इनाम? इसे पहचानते हो? ये गुड़िया तो मेरी बेटी की थी, बचपन में वो इसे हमेशा अपने पास रखा करती थी। हाँ, जब वो हमारे साथ सफर में थी तब भी ये गुड़िया उसके पास थी। उसी सफर नहीं तो मेरी बीवी और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। बीवी को छीन लिया, बेटी को नहीं। तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है। क्या क्या कह रहे हो आप? मुझे विश्वास नहीं, कहाँ है? हमारे पास। आपके पास? हाँ। आपने उसे बचाया और मुझे बताया तक नहीं?
ऐसे सुनहरी मौके के लिए हमने उसे संभाल कर रखा था। स्वामी जी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। जरूर जरूर मिलवाएंगे, लेकिन तब जब तुम हमारा काम करोगे। तब तक उसकी गुड़िया से अपना दिल बहलाओ। पापा पापा, हेलो पापा, मैं मिठू बोल रही हूँ, आप जल्दी आओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा, मेरे लिए एक वॉकी टॉकी डॉल लाना, नहीं लाओगे तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी। लाओगे ना पापा? प्लीज पापा, प्लीज आप जल्दी आना। इतनी देर से वेट कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं करती? हेलो हेलो विजय। हाँ, नुपुर नुपुर, कैसी हो तुम? विजय विजय, मुझसे अब रहा नहीं जाता, मुझे यहाँ कर ले जा। पापा ने मेरा बाहर आना जाना भी बंद कर दिया है, आखिर ये कब तक चलेगा? नुपुर नुपुर नुपुर, रो मत। देखो देखो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे रोने से किस कदर परेशान हो जाता हूँ। मैं मर जाऊंगी विजय, इस तरह मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हो नुपुर? देखो देखो, मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाता हूँ तुम्हें वहां से निकालने के लिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना। देख, इस तरह हारो मत नुपुर। मैं हारी नहीं हूँ विजय, मगर तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या नहीं जानता नुपुर, मैं कल ही कुछ ना कुछ करता तुम्हें वहां से निकालने के लिए। तुम मुझ पर भरोसा रखो। अब जरा सांस दो, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, प्लीज मेरे लिए। ये हुई ना बात, अगली प्यार हंसाने के लिए होता है, रुलाने के लिए थोड़ी होता है। आई लव यू विजय, आई लव यू। आई लव यू टू। तो फिर हो जाए इसी बात पर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। उसका थिएटर वेटर सब कुछ बंद कर दिया है मैंने। पर अंकल, हम ये शो अपने फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि ब्लाइंड स्कूल के लिए कर रहे हैं। और फिर अगर आप मना कर दें तो मैं क्या करूं फिर? अरे सेठ अंकल, आप चाहते हैं कि हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाए? पानी? अरे बाढ़ आ जाएगी बाढ़ सेठ जी, सब कुछ बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद। पापा प्लीज पापा। लेकिन तुम्हारा ये रोल कोई दूसरा भी तो कर सकता है। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि नुपुर के अलावा ये रोल और कोई नहीं कर सकता। ये ड्रामे की रिहर्सल करते करते मेरा थैला फट गया, मेरा कुर्ता फट गया। अगर ये ड्रामा फट गया ना तो मेरी तो किस्मत फट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज पापा। सर फूट जाएंगे हम लोगों के भाई। नुपुर तुम कुछ बोलो ना। पापा ये लोग इतना कुछ कह रहे हैं, आप हाँ कह दीजिए ना। नुपुर, नहीं का मतलब सिर्फ नहीं होता है। नहीं? अरे गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए आपके दिल में जरा सी भी जगह नहीं? ऐसा करो ना, आप भी हमारे ड्रामे में एक गुस्ट अपीयरेंस कर लो। कैसे अपीयरेंस? हाँ, वो कहानी भी बहुत महान लिखी गई है भैया। मोरी ताऊ बहुत खुजायो खिंचायो। हाँ, सूरदास का रोल आप पर एकदम फिट रहे। कौन? मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे तो मत करो। पर नुपुर ने तो भेज दो। पापा भेज दो ना। नहीं नहीं नहीं, अंकल प्लीज। सेठ जी, गरीब मजदूरों के बच्चों की बदवाएं आपको लगेंगी, आपका घर तबाह हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, समझे? तमेश तमेश, टेम्पर ढीला ना कर, ना कर। सॉरी, भेज दीजिए ना नुपुर ने। अंकल पापा कह दीजिए। मैं कॉस्ट्यूम लेके आती हूं, जल्दी करें। मगर देखो सुनो, विजय नाम का लड़का वहां नहीं आने पाए। विजय? केड़ा विजय? वो अपना धोबी। वो नहीं, वो एक बहुत लफंगा लड़का है, बहुत दिनों से नूपुर के पीछे पड़ा हुआ है। सेठ अंकल, आप हमारा इत्मीनान कीजिए, यकीन रखिए वो आसपास भी नहीं आएगा। अरे जब तक हमें सेठ जी, वो फटक ही नहीं सकता। हाँ, मेरा भरोसा कीजिए आप। चलो चलो, अच्छा डैडी चलो उठो। चलो चलो नूपुर जी, वापस कब आओगे? दो दिन बाद, सिर्फ दो दिन बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चलो भाई चलो। आपका है इधर। चलो भाई चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चलो भाई।
अनजाने बेगाने दीवाने हम एक दूजे के हो गए हो हम एक दूजे के हो गए बिन सोचे बिन समझे सब ऐसे जाने कैसे हम एक बोल रही हो बिल्कुल झूठ तुम और तुम्हारे स्वामी दोनों झूठे मेरी बहन मर चुकी है कई साल पहले मेरी बात का विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूँ अगर वो मूर्ति स्वामी को नहीं मिली तो आपकी बहन की जान खतरे में पड़ सकती है अच्छा तुम ये बता सकते हो कि स्वामी ने मेरी बहन को कहाँ छुपा के रखे हैं ये तो मुझे नहीं पता तो फिर मुझे कौन सा राज बताने आई हो ये भी तुम और तुम्हारे स्वामी को नई चाल लगती है कोई चाल नहीं है मेरा विश्वास कीजिए
तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है? मैं नहीं चाहती कि वो मासूम लड़की भी मेरी तरह स्वामी के चंगुल में फंस जाए। बहुत खतरनाक आदमी है वो, प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। अगर मेरे पर विश्वास नहीं तो अपने डैडी से पूछिए। फादर, क्या मीठू जिंदा है? बताइए, जो मैंने सुना क्या वो सच है? हाँ बेटा। व्हाट? मीठू एक्सीडेंट में बच गए थे, आपने मुझे खबर तक नहीं की? क्या बताऊं बेटा, मुझे भी नहीं पता था कि एक्सीडेंट के बाद मीठू जिंदा रह गई। आपको नहीं मालूम थे? आई डोंट बिलीव इट। बेटा, स्वामी जी ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया, ये सब मेरी गलती। ये सब होने के बावजूद आप उस स्वामी के साथ काम करते रहे? बेटा, मैंने बताया ना कि मुझे भी अभी पता चला है। डैडी, मैं नहीं जानते थे कि आप इतना गिर सकते हैं। पैसे के लिए बेटी को बलि पर चढ़ा दिए? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं। डैडी, मैं ये तो जानते थे कि आप काले धंधे करते हैं, लेकिन उसकी कीमत मेरी बहन को चुकानी पड़ेगी ये नहीं जानते थे। वो उन जानवरों के कब्जे में आप घर में चुपचाप बैठे हैं। बेटे, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी ने मिठू को जान से मार देने की धमकी दी। तो ठीक है, अपनी बहन को मैं छुड़ा कर लाएंगे। आपको अपनी जान प्यारी है तो बैठिए घर में। नहीं नहीं बेटे, तुम मत जाओ, स्वामी बहुत खतरनाक आदमी है। हेलो चोपड़ा साहब, मैं अर्जुन दास बोल रहा हूँ साहब। जी, आप यहाँ फौरन चले आइए, सेठ साहब को दिल का दौरा पड़ा है। कब? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ मैं अभी आया। पीस ऑफ माइंड, अब क्या मिलेगी इस मन को शांति? जरूर मिलेगी सेठ जी। कैसे? इमरती, तुम तरह बाहर जाओ। स्वामी, स्वामी जी से मिलके उनके दर्शन पाके। बताओ क्या देखी? बताओ, बिना हमसे पूछे आश्रम के बाहर क्यों गई थी? नहीं, जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता उसको हम कभी क्षमा नहीं करते। स्वामी जी, बता क्यों गई थी? स्वामी जी, स्वामी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। सेठ जी ने आपको याद किया, आपको घर पे बुलाया। भंडारी, भंडारी। हम जानते हैं कि तुम्हें कई चिंताओं ने घेर रखा है, तुम्हारा मन बहुत उदास है, तुम्हारे मन की शांति चली गई है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। उसको पाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम हम हैं। हम वो शांति तुम्हें वापस दिलाएंगे। हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी आंखों की ज्योति तुम्हें आत्मा का प्रकाश देगी। भंडारी, भंडारी। ओए पगड़ी वाले रुक। अरे कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वामी जी के चेले हैं, चमचे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भाई मुझे जाने दो। पर जाना मना है भाई, स्वामी जी का आदेश है। पर सेठ जी की तबीयत खराब है, मुझे दूध ऊपर पहुँचाना है भाई। अरे तो दूध हम पी लेते हैं ना। ये छोड़ो मुझे। स्वामी जी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। भंडार, अपने मन को हीरे की तरह पारदर्शी बनाओ। हम सब जानते हैं, हमसे कुछ मत छुपाओ। वो अपनी खानदानी मूर्ति हमारे चरणों में लाकर डाल दो। लेकिन लेकिन स्वामी जी, वो मूर्ति मेरे पुरखों की निशानी है। तुम्हारे सारे कष्टों का कारण यही मूर्ति है। जब तक वो मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। लेकिन स्वामी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी तक मोहमाया में फंसे हुए हो। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात विभ्रम, प्रतिभ्रंशात बुद्धिनाशो। बोलो, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति कहाँ है? बोलो, वो मूर्ति कहाँ है?
मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, वो मूर्ति मैं। वही मूर्ति तुम्हारे सर्वनाश का कारण है। हटाओ, हटाओ उस मूर्ति को अपने घर से। जब तक वो मूर्ति तुम्हारे इस घर में रहेगी, तुम्हारी बिटिया कभी वापस नहीं आएगी। बोलो कहाँ है वो मूर्ति? बताओ कहाँ है वो मूर्ति? मेरे घर के मंदिर में। मंदिर में कहाँ? शिवलिंग के अंदर। बेबी जल्दी करो, घर में बहुत चक्कर है, बहुत गड़बड़ हो रही है। घर में कोई स्वामी घुसा है, स्वामी सेठ सब पर बहुत चक्कर चला रहा है। भक्ति मुक्ति मृग नहीं, मूर्ति मिल गई, मूर्ति मिल गई, आओ चले मंदिर में। मूर्ति मंदिर में नहीं है स्वामी, मेरे पास है। हमसे ज्यादा होशियार हो गए चप्पू, हमसे पहले ही मूर्ति उड़ा के ले गए। भंडार भंडार, वो मूर्ति हमें अर्पण कर दो और वो तमंचा हमारे चरणों में डाल दो। नहीं स्वामी, पहले मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं, पहले मूर्ति है चोपड़ा, पहले मूर्ति है। नहीं स्वामी, अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा है। बहुत भक्ति कर ली तुम्हारी मैंने, पहले बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मारो मारो, चलाओ चलाओ गोली, मैं तुम दोनों को उड़ा दूंगा। अपनी बेटी को भी? मेरी बेटी? हाँ, यही तो है तुम्हारी बेटी। तुम झूठ बोलते हो। सबूत चाहिए। अब तो तमंचा हमारे कदमों में डाल दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। लाओ लाओ लाओ, दो दो दो, वो मूर्ति, वो मूर्ति दो। स्वामी जी चलो, शक्ति मुक्ति दोनों को बांध दो। स्लीपिंग ब्यूटीज, यहां सब कुछ कंट्रोल में है, ऊपर जाकर देखो क्या हुए हैं। हे केयरफुल ऑफ द स्वामी। अंकल ये सब क्या है? विजय विजय, तुम उसका पीछा करो, देखो उस बदमाश स्वामी ने हमारी हालत कर दी है। वो मिठू, वो मिठू और सेठ जी की मूर्ति को लेकर कहीं भाग गया है। लेकिन वो गया कहां? पता नहीं। विजय अब क्या होगा? जाओ जल्दी से जाओ। विजय बेटे, वो मूर्ति बचा लो बेटे। जी आप तक कीजिए, मैं उसका पता लगाता हूँ, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। भंडार, स्वामी का डका है। मुझे नहीं पता। नहीं, कैसे पता? आराम करके बता कहाँ है। नहीं नहीं, बता कहाँ है। पता है, पता है, चल चल मेरे साथ। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं उल्लू मूर्ख हूँ, कथा हूँ, जो इस काली सी मूर्ति को पाकर इतना खुश क्यों हो रहा हूं, है ना? लेकिन नहीं, Ha 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 ha.
तुम किधर जाता है? धर्मेंद्र इधर रहते हैं। नहीं, किधर रहते हैं? बॉम्बे में। ओह, बॉम्बे में किधर? कौन है तुम? मैं सायरी हैं। ये विजय है। तुम इधर से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। वो जितेंद्र इधर रहते हैं? नहीं, किधर रहते हैं? बॉम्बे में। बॉम्बे में किधर? मैं साइरी, वेरी प्लीज टू मीट यू। मैं जूडो पूरी तरह से नहीं सीखे हैं। मैं सिखाता हूँ। वो घर किसके हैं? मालूम नहीं। ये मैं इंडिया में सीखे हैं। स्वामी नमस्ते। नमस्ते। आप योगा करते हैं? नहीं, हम कुंग फू करते हैं। कुंग फू करते हैं? मालूम है क्या कीमत है इसकी? मालूम है? 2 करोड़ भंडार, 2 करोड़। स्वामी जी आप महान हैं, लेकिन थोड़े से बेईमान हैं। आगे बढ़ो, अगर हिले तो तुमको गोली मार देंगे। ए, क्या करता है? सुनो, स्वामी देख चप्पू, मुझे जाने दे। 50-50 के बच्चे, तेरी प्रकाश की ज्योति में अभी खत्म करता हूँ। कमीने, तुझे तेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। ये ले, बाकी का काम कानून करेगा। 50-50 चल अंदर। इंस्पेक्टर 50-50। बेटे तुम्हें समझने में मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो। डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मिठू। ओ डैडी। बेटे, बेटे मुझे माफ कर दो। डैडी। ओके ओके, सभी को सुनते जल्दी माफ करो, टाइम नहीं है। पीली हरी नीली सफेद फोटो खिंचवा लो, ये फोटो। हे कैमरामैन, तुम फैमिली फोटोग्राफ लेता है? अरे फिर तो रेडी। Now. देखो तुम भी देखो, गलियां क्यों शर्मा रही।
कब जाने अनजाने।